वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के पास ब्लॉग दोस्तों हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों हम एक और नए शूज की वीडियो लेके आए हैं जो कि लेदर में और पी सोल में है तो चलिए और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसमें हम आपको कई चीज़ें बताएंगे दोस्तों सोल कौन सी क्वालिटी का है लेदर कौन सी क्वालिटी का है और अंदर का अस्तर कौन सी क्वालिटी का है और किस प्रकार का बॉक्स है ये सारी डिटेल पूरी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं है ना बॉक्स की बात कर लेता हूँ दोस्तों बॉक्स ये शाइन लेमिनेशन में बॉक्स है दोस्तों एक होता है मैट लेनेशन में ये थोड़ी शाइन वाला लेमिनेशन है तो इसमें ना जो पेपर लगा हुआ है दो ग्राम का पेपर है और इसके अंदर देखा जाए तो ये एल डब्ल्यू सी पेपर है जो वाइट पेपर एल डब्ल्यू सी होता है दोस्तों काफी अच्छी क्वालिटी का पेपर होता है और आठ बाई साढ़े बारह का ये बॉक्स है दोस्तों आठ बाई साढ़े बारह का बॉक्स क्या होता है कि आप है ना 48 के कार्टून में इसे डालोगे तो ये 40 जोड़ियाँ आएंगी दोस्तों तो अब है ना हमने आपको है ना जो बॉक्स का है ना इंट्रोडक्शन दे दिया पूरा तो अब मैं चलता हूँ सूज की तरफ कि मतलब कौन सा सूज है दोस्तों ये सूज है इसे ना टिप्स का लास्ट कहा जाता है टिप्स आप जानते ही होंगे सदाबहार लास्ट है टिप्स और इस ये मतलब पुराना भी कह लीजिए नया भी कह लीजिए सारी चीजें मिलाकर, कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी इसकी ना परफॉर्मेंस रही है टिप्स के फरमे की टिप्स का फरमा कहता है क्यों डिज़ाइन जो होता है शेप जो होती है अब मैं आपको ना नाम बता रहा हूं, टिप्स तो आप कहोगे कि टिप्स मतलब समझे समझ में नहीं आया टिप्स क्या है तब तो मैं वही मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों जो ये शेप होती है जो सांचा होता है ना फर्मा होता है उसका नाम होता है उसका अलग अलग नाम होते हैं जैसे सोनाटा टिप्स फन अलग, अलग नामों से उसे जाना जाता है जब भी उसकी पहचान की जाती है जैसे हमारे अलग अलग नाम होते हैं जब भी पहचान की जाती है और अलग अलग चीजों के अलग अलग नाम रखे गए हैं इसी प्रकार से ना इनके जो यहाँ से जो शेप चेंज हो जाती है तो उसका एक अलग नाम दे दिया जाता है तो ये है टिप्स का लास्ट तो इसे ना टिप्स की आइटम ही कहा जाता, जा जाता है टिप्स के आर्टिकल्स कहा जा जाता है टिप्स के आर्टिकल्स जैसे डर भी हो गए मोकेशन हो गए और ये पलटे वाला डर हो गया प्लेन वाला डर हो गया पलटे वाला मोकेशन हो गया मोकेशन किसे कहा जाता है जब यहाँ पे ना ये दोनों तरफ प्लास्टिक होती है ये फीते वाला नहीं होता प्लास्टिक वाला होता है तो उसे है ना मोकेशन कहते हैं और जो फीते वाला होता है उसे डर कहते हैं और दोस्तों है ना मैं इसको इसके बारे में आपको बताऊं जैसे है ना आर्टिकल के बारे में तो बता दिया कौन से लास्ट पर तैयार किया गया है अब इसके जो मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जो आउटर जो जैसे लेदर है या सोल है उसके बारे में आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ दोस्तों अब दोस्तों दोस्तों इसको देखा जाए तो ये लेदर है दोस्तों प्योर लेदर फॉर्म की कोई वही नहीं है कि मतलब फॉर्म हो इसमें आप लेदर कहोगे तो लेदर मिलेगा फॉर्म कहोगे तो फॉर्म मिलेगा क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से हमारे पास तैयार होता है ये लेदर में भी तैयार होता है फॉर्म में भी तैयार होता है ये लेकिन ये प्योर लेदर है और अच्छी क्वालिटी का लेदर है दोस्तों जो सॉफ्टनेस होती है लेदर में देखिए एकदम बिल्कुल बढ़िया सॉफ्टनेस और अब सोल की जो बात की जाए दोस्तों सोल है प्योर सोल क्यों तो ये जो सोल है एलेट का सोल है ये लगभग मतलब अच्छी रेंज में ये सोल एलेट का मिलता है दोस्तों और अच्छी क्वालिटी है एलेट जानी मानी कंपनी जो सोल बनाती है मैन्युफैक्चरिंग करती है और काफी अच्छी क्वालिटी के ये मैन्युफैक्चरिंग करती है दोस्तों आप जैसे आगरा में या दिल्ली में कहीं पे भी जाओगे या किसी से पूछोगे तो सबसे ज्यादा डिमांड रहती है जो रहती है एलेट सोल की दोस्तों सोल के बारे में बता दिया हमने और अंदर जो अस्तर लगा हुआ है दोस्तों ये इसमें ना हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है दोस्तों ये लेदर का ये पूरा जो आर्टिकल जो मैं आपको दिखाता हूँ ये हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है दोस्तों इसकी भी हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है इसके अंदर जो अस्तर लगा हुआ है नापा लगा हुआ है अस्तर नापा क्या होता है बिल्कुल सॉफ्ट होता है आपने है ना हमारी वीडियो में देखा होगा नापा अस्तर जो लगा हुआ होता है तो उसका भी एक रीजन होता है दोस्तों आप कहोगे आप जैसे मतलब नापा क्यों लगाते हैं ये लेदर क्यों लगा देते हैं दोस्तों इसकी क्या है कि जो मोटाई होती है वो ज्यादा होती है थिकनेस जिसे बोलते हैं और नापे की है ना पतली होती है और सॉफ्ट होता है सॉफ्ट तो ये भी होता है लेकिन इसकी मोटाई ज्यादा होती है तो उसको है ना अस्तर को अंदर लगाएंगे तो थोड़ा है ना ऐसा ओर सा फील हो फील होता है बिल्कुल मतलब गंदा सा लगता है और जो नापा होता है एकदम पतला होता है और उसमें क्या है यहाँ पे है ना इस साइड में जो कुशन लगी होती है वो भी है ना उभर कर आती है जो कुशनिंग लगी होती है और पैर को है ना आराम मिलता है तो इसलिए ना नापे का ज्यादा यूज किया जाता है और यहाँ पे देखा जाए तो में भी काफी कुशनिंग डली हुई है दोस्तों और दोस्तों यही चीज है इसमें जो इसको है ना काफी यूनिक बनाती है एक तो कुशनिंग हो गई है अस्तर हो गया और लेदर तो बहुत आउटर साइड में है ही है और प्यू सोल भी और यही चीज है ना शूज को अलग डिफरेंट कर देती दोस्तों। है दोस्तों यही चीजें क्या है कि आप सोल को चेंज कर दीजिए आप लेदर थोड़ी हल्की क्वालिटी का लगा दीजिए अस्तर यही लेदर छिड़वा के लगवा दीजिए तो वही मतलब रेंज एकदम गिर जाती है और जूते की रेड मर जाती है दोस्तों दोस्तों आप ये चीजें परचेज करना चाहते हैं या ये शूज जो आर्टिकल जो हम आपको दिखाते हैं आप ये हमसे ना कॉन्टेक्ट करके परचेज कर सकते हैं ये हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है आर्टिकल्स वो जो रेगुलर में रूटीन में तैयार होते हैं दोस्तों इसके लिए है ना आप हमसे ना कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारा फोन नंबर है दोस्तों एट नाइन जीरो नाइन वन फोर फाइव सेवन थ्री सिक्स दोस्तों और एड्रेस दोस्तों अलवतिया रोड शाहगंज आगरा आप अलवतिया रोड आएंगे या शाहगंज आएंगे नहीं मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आप अगर कैंट आएंगे कैंट कैंट से है ना आप सागन जाएंगे सागन से रामनगर रामनगर की पुलिया से अलबत्तिया रोड की तरफ आएंगे तो अलबत्िया रोड पे है ना शंकरगढ़ की पुलिया पे आप फ़ोन कर लीजिएगा हम आपको पिकअप कर लेंगे दोस्तों और अगर आप फोर्ट की तरफ से आते हैं तो वही प्रोसीजर होता है फोर्ट से आप है ना सागन जाइए सागन से रामनगर रामनगर से रामनगर से शंकरगढ़ की पुलिया तो वहाँ से आपको पिकअप कर लिया जाएगा और दोस्तों ऑर्डर की जो बात की जाती है तो वो तो आपको पता ही है क्योंकि आप है ना ऑर्डर लगाएंगे तो आठ दस दिन में आपको माल रेडी होकर मिलेगा यहाँ पे कोई मतलब तैयार माल नहीं होता है आप ऑर्डर लगाइए उसके बाद है ना आठ दिन में आपको माल डिस्पैच कर दिया जाएगा और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों एक दो जोड़ी के लिए आप कॉन्टेक्ट ना कीजिएगा मिनिमम मिनिमम एक कार्टून होना चाहिए जैसे ये बना मंगा रहे हैं आप तो चालीस जोड़ियाँ होनी चाहिए लोफर मंगा रहे हैं आप तो साठ जोड़ी होना चाहिए इंकला मंगा रहे हैं तो साठ जोड़ी होना चाहिए जलसा मंगा रहे हैं तो साठ जोड़ी होना चाहिए और जैसे कहने का मतलब ये है अगर आप है ना आठ बाई साढ़े बारह के बॉक्स में मंगा रहे हैं तो आपको चालीस जोड़ी हमें ऑर्डर देना पड़ेगा अगर आप है ना पौने छः इंच के बॉक्स में आपका माल जाएगा तो आपको कम से कम हमें है ना लगभग लगभग साठ जोड़ी आपको ऑर्डर देना पड़ेगा दोस्तों तो दोस्तों आज की थी हमारी ये वीडियो थी जो लेदर सूज के ऊपर थी आपको ये कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जब तक ले जय हिंद जय